और कफ सिरप से गाम्बिया में कथित तौर पर 66 बच्चों की मौत के मामले में WHO ने मिले प्रतिकूल मामलों की रिपोर्ट की जांच के लिए सरकार ने समिति का गठन दिया है। विशेषज्ञों की यह समिति WHO द्वारा साझा किए गए विवरणों के अध्ययन करने के बाद DCGI की कार्रवाई की सलाह देगी। गौरतलब है कि हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका देश गाम्बिया में कफ सिरप पीने के चलते 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। वहीं जिस कफ सिरप को लेकर यह दावा किया गया था कि वो भारत की एक कंपनी द्वारा बनाई गई है, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उस सिरप का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी थी। वहीं इस मामले में दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। WHO ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में दावा किया है कि हरियाणा स्थित मेडेन फर्न्यूट्रिस्ट द्वारा तैयार किए गए कफ सिरप ओरल थैंक्यूल और कैलिफोर्मानी बेबी कफ सिरप, मकाफ बेबी कफ सिरप और माइग्रेन एंड कोल्ड सिरप का विशेष तौर पर यहां पर निर्माण किया गया है। WHO ने बताया है कि इन चारों उत्पादनों की सैंपल टेस्टिंग में ग्लैकनाइन एथिलीन ग्लाइकॉल और अधिकतर की मात्रा भी पाई गई है। शरीर के कई प्रकार के विषाक्त को भी इससे प्रभावित करना पड़ता है। चार उत्पादों की गाम्बिया में बच्चों की मौत का मामला भी सामने आया है, जिसमें पहचान लिया गया है कि इस खतरे को देखते हुए सभी लोगों ने इन दवाओं को प्रयोग में न लाने की सलाह भी दी है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी यह भी दावा कर रही है कि इन उत्पादनों में सभी बेंचों में असुरक्षित माना जाना चाहिए, जब तक कि संबंधित राष्ट्रीय नियामक अधिकारियों द्वारा इसकी जाँच नहीं की जाए। WHO द्वारा चेतावनी जारी करने के बाद DCSCCO के मामले में शुरू से जांच की गई है, जिसमें यह मामला सामने आया है कि फार्मा कंपनी ने अब न केवल गाम्बिया को ही बल्कि उत्पाद बेचे हैं, बल्कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में इन दवाओं को रासायनिक तौर पर ही गलत माना है। मौजूदगी की बात बता दें कि पेट दर्द, उल्टी दस्त को लेकर गंभीर मामलों में किडनी फेलियर तक की कारण बन सकती हैं ये दवाएँ, जिससे मौत का खतरा बना हुआ है। इन कफ सिरप को सेवन के बाद जिन बच्चों की मौत हो गई थी उनमें ज़्यादातर मामले किडनी फेल होने के थे। वहीं WHO ने इस मामले में भारत से जवाब भी तलब किया था। वहीं अब सरकार ने इस मामले के लिए जांच कमेटी का गठन किया है।